بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے هم, هم آب کی خدمت میں حاضر ہیں کی آس, اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے. أركان إسلام اور أخلاق کے ميان رشتہ اور تعلق يعني همي يبات معلوم هوني چاہئے. कि दीन इस्लाम में अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है और फिर ये कि हमें इस अहमियत को यूँ समझना चाहिए कि न सिर्फ़ ये कि दीन इस्लाम में अच्छे अखलाक़ को अपनाने और यह कि हर क़सम के बुरे अखलाक़ से हमेशा दामन बचाए रखने की ताकिद की गई बल्कि इससे भी बढ़कर कर मज़ीद ये कि वो अरकान इस्लाम यानी दीन इस्लाम में जो अहम तरीन आबादात इस क़दर अहम तरीन इबादात के उनकी अहमियत की वजह से जिन्हें अरकान इस्लाम के नाम से याद किया जाता है यानी इकरार तो और रिसालत के बाद नमाज ज़क़़ रोज़ा और हज वग़ैरह तो ये बुनियादी अबदात اور یہ اہم عبادات اور یہ الإسلام اسلام ان عبادات من جو اسرار و رموز ہیں اور ان عبادات کے جو اغراض و مقاصد ہیں اگر ان میں غور و فکر کرے انسان تو یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ ان عبادات میں بھی انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز وجل إنسان کے ابني اپنے بندوں اخلاقي تعليم کا پہلو بھی موجود ہے ان تمام عبادات میں. مثلا عبادات میں فهرست اور اهم ترين عبادة هي نماز نماز سے الله کا ذکر مقصود الله کا عبادة مظاهرة मकसूद है कि इंसान नमाज के दौरान अपने खालिक व मालिक के सामने कभी हाथ बांधे खड़ा हुआ है और कभी हालत रुकू में है कभी हालत सजूद में है तो ये अल्लाह की इतव इबादत और, और ये कि अल्लाह की बंदगी व फर्मा बरदारी अमली मुजाहरा लेकिन इसके साथ साथ हमें नमाज में भी अखलाक़ी तालीम भी واضح طور پر نظر آتی ہے مثلا قران کریم میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برائی سے ہر برائی سے ہر, برائی سے ہر بے حیائی سے نماز इंसान को रोकती है तो ज़ाहिर है कि बेहयाई ये तो बद अखलाक़ी की हलामत है कि जो बेहया किस्म का इंसान होगा तो यकीनन यही कहा जाएगा कि इसका अखलाक दुरुस्त नहीं है कि ये बद अख्लाक़ क़स्म का इंसान है और जो कोई बेहयाई के कामों से दूर रहता हो तो यकीनन उसके बारे में यही कहा जाएगा कि ये खुश अख्लाक किस्म का इंसान है कि इसका अमल इसका मिजाज और ये कि सीरत किरदार बहुत ही बेहतरीन है इसी तरह मसलन नमाज़ के दौरान हम देखते हैं कि तमाम इंसान अल्लाह के सभी बंदे जो कि नमाज में नमाज़ बजमात में मशूल हुआ करते हैं तो अल्लाह के सामने वो सभी एक साथ एक सफ़ में बराबर खड़े हुए हैं उनमें कोई तफरीक नहीं है कोई ऊंच नीच नहीं है क्या खादिम और क्या मखदूम क्या काला और क्या गोरा छोटे और बड़े और ये कि मज़दूर भी वही हैं और ये कि मज़दूर का आका भी उसी के साथ खड़ा हुआ है तो ये सभी लोग एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं और ये कि कोई तफरीक नहीं है कोई ऊंच नीच नहीं है और ये कि ये मसावात आप इसमें हमदर्दी के जज्बात कि मस्जिद में जब रोज़ाना दिन में पांच वक्त जब एक दूसरे पर निगाह पड़ेगी एक दूसरे से मुलाकात होगी तो यूँ तारुफ बढ़ेगा आप इसमें महब्बतें परवान चढ़ेंगी और ये कि किरबतें बढ़ेंगी नफ़रतों और दूरियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा एक दूसरे के हालात के बारे में एक दूसरे की ज़रूरियात के बारे में एक दूसरे की मुश्किलात के बारे में हो सकेगा वाकिफियत हो सकेगी और यूँ सभी एक दूसरे के कैम आ सकेंगे एक दूसरे की मदद और वानत कर सकेंगे फिर ये कि इमाम की इतदा में वो सभी लोग तमाम नमाजी एक साथ एक ही इमाम के पीछे खड़े हुए हैं एक ही इमाम की इतदा में वो कभी रुकू की हालत में है कभी सुजूद की हालत में है एक साथ रुकू है एक साथ सजदा है एक साथ क़ियाम है एक साथ है तशाह है तो यूँ इंतशार की बजाय यूं आप में नज़म जब्त का ये अमली मुजाहरा कि सब बराबर हैं और ये कि सब में इत्तिहाद है मुसाव तो यगा है कोई नफसा नफसी नहीं है ऐसी बात नहीं कि कोई रुकू में और कोई सजूद में और किसी का रुख हो मगरिब की जानिब किसी का रुख हो मशरिक़ की जानिब ऐसी कोई बात वहाँ हरगिज हरगिज नहीं है तो यूँ इतफ़ाक़ वसावासोव और भाईचारा और ये कि ऊँच नीच का ख़ातमा हर किस्म की तफरीक ख़ातमा और अल्लाह के सामने सभी एक हैं सभी बराबर हैं सभी भाई भाई हैं तो ये तमाम ख़ूबियाँ ये तमाम अवसाफ यक़ीनन ये सभी कुछ अख्लाक ही का शबा है तो नमाज इंसान को अखलाक की तलीम देती है इसी तरह नाजरीन क्रोम ज़क़ात के बारे में अगर गौर किया जाए तो अखलाक की तलीम हमें ज़क़ में भी नज़र आती है कि जो अग्निया हैं दौलतमंद कस्म का जो इंसान है वो अपने माल में से उसके इर्द गिर्द जो फ़ीर और महताज़ किस्म के अफराज हैं उनकी मदद किया करता है तो यूँ ज़िंदगी भर हर साल पलट पलट कर ग़रीबों की मदद करना ये दुनिया के जहाँ चिहार सू नफसा नफसी है हर कोई दूसरे का माल छीन लेना चाहता है ऐसे में वो इंसान जो हर साल ज़िंदगी भर खामोशी के साथ अपनी ये खून पसीने की कमाई और अपना ये माल अपनी जेब से निकाल कर किसी मिसकीन की हथेली पर रख देता है चुपचाप खामोशी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कोई मजबूरी नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रजामंदी व खुशनुदी की खातिर तो जाहिर है कि जो इस किस्म का इंसान है वो कभी किसी दूसरे का माल किस तरह चुराएगा चोरी है और ये कि हक तलफी है और किसी भी शक्ल में दूसरे को नुकसान पहुँचाना तो ये सभी कुछ तो बद अखलाकी की आलामात है जबकि ज़कवात अदा करने वाला इंसान वो ख़ुश अखलाक है कि उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है दूसरों के लिए उसके दिल में इंसानियत के जज्बात हैं और ये कि माल की महब्बत की बजाय अल्लाह की महब्बत से उसने अपने दिल को आबाद कर रखा है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए वो ये माल गरीबों के हवाले किया करता है हमेशा अलगरस ज़क़ात की अदायगी से वो शख्स जिसने ज़क़ात अदा की हो उसका दिल साफ़ हो गया पैसे की महब्बत और ये हवा से ज़र और ये लालच और छीन लेना इस किस्म की जो बुरी आदत हैं तो इन बुरी आदत से बुरे अखलाक से उसका दिल पाक और साफ हो गया यानी उसका अखलाक दुरुस्त हो गया इसी तरह वो इंसान वो मिस्कीन के जिसे ज़कवात अदा की गई है अब उसके दिल में दौलतमंदों के ख़िलाफ़ हसद की जो आग हुआ करती है और एहसास महरूमी के जो जज्बात हुआ करते हैं कि मैं महरूम मेरे बच्चे को इलाज नसीब नहीं खाना पीना नसीब नहीं सर छुपाने के लिए कोई छत नसीब नहीं है जबकि मेरे पड़ोस में ये अमीर कबीर किस्म का इंसान माल और दौलत के ये अंबार इसके क़दमों में पड़े हैं तो शायद एहसास महरूमी की वजह से और इस इंतकाम की आग में जलते हुए ये गरीब और फ़ीर कस्म का इंसान शायद कभी इसे शैतान यूं वर गलाने लगे कि मुझे चोरी करनी चाहिए इससे छीन लेना चाहिए और ये कि उसके दिल में जो आग लगी हुई है शायद इस आग की वजह से वो किसी रोज़ ऐसा ना हो कि अपने पड़ोसी उस मालदार के घर में कहीं आग लगा देने के बारे में मंसूबे बनाने लगे लेकिन जब उसे जकात अदा की गई हो तो अब जितने भी ये बुरे अखलाक और बुरे ख्याल एहसास महरूमी और ये हसद और ये नफ़रत और ये कीना, इन तमाम बुरे अखलाक़ की बजाय अब उसके दिल में उस गनी इंसान दौलतमंद इंसान के बारे में अच्छे जज्बा इज़्ज़त एहतराम और अदब ये तमाम खुश अखलाक़ी के मामलत उसके दिल में पैदा होने लगेंगे बद अखलाक़ी का खातिमा हो जाएगा और यूं वो दौलतमंद और फ़ीर व महताज सभी मिलकर आपस में भाई भाई, भाई बहम शे शकर और ये कि बहम एक दूसरे के लिए मिलजुल कर दस्तो बाज़ू बन जाएंगे इसी तरह नाजरीन कराम रोज़ा रोज़ा सिर्फ़ सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहने का नाम हरगिज हरगिज नहीं है बल्कि रोज़े का मकसद ही यही है कि तकवा पैदा हो परहेजगारी पैदा हो इंसान का अखलाक दुरुस्त हो जाए इंसान का अंदाज फिक्र दुरुस्त हो जाए जैसा कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलम कवल जूल आमल भी

तो फिर क्यों भूखा प्यासा ये ख़ुद को हलकान कर रहा है तो असल मकसूद सिर्फ़ खाना पीना बंद कर देना नहीं है असल मकसूद यही है कि इंसान अपने अखलाक को दुरुस्त करे और यह कि झूठ बोलने से वो बास आ जाए इसी तरह फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल सहन यम सोम फल यब

यानी रोज़े के दौरान इंसान किसी दूसरे को गाली बके ये तो दरकिनार ये तो बहुत दूर की बात है हकीकत ये है कि अगर कोई दूसरा रोज़ेदार को गाली बके तो रोज़ेदार को उसका जवाब देने की इजाज़त भी नहीं है कि गाली का जवाब गाली से या बुरी बात का जवाब बुरी बात से जवाब देने की इजाज़त भी नहीं है बल्कि यह हकम दिया गया है कि बस यूँ कह दे कि मेरा तो रोज़ा है अलगारज़ ना तो बेहियाई की बातें करे ना तो चीखे चिल्लाए और ना ही फितना फितनों फसाद और झगड़े वगैरह किया करे और ये कि झूठ से परहेज़ करे ये सब कुछ तालीमें हमेशा हर मुसलमान के लिए और बतौर ख़ास रोज़ेदार के लिए तो इससे नाजरीन कराम यही बात खूब वाजित हो गई कि रोज़े में भी अखलाकी तालीम का पहलू मौजूद है मज़ीद ये कि रोज़े के दौरान जब इंसान भूख और प्यास की तकलीफ़ को ख़ुद महसूस करता है तब उसे अंदाज़ा होता है कि मेरी ये तकलीफ़ तो महज़ चंद घंटों के लिए है जबकि वो फकीर, वो मस्किन वो भूखा इंसान कि जिसके पेट में हमेशा ही भूख की ये आँग ये भड़कती रहती है ये शाजन रहती है तो उस बेचारे की ज़िंदगी किस कदर तलख होगी फिर इस एहसास की वजह से उसके दिल में गरीबों की मदद का जज्बा पैदा होता है और इस तरफ वो मुतवज होता है कि जो भूखे लोग हैं ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए और फिर उनकी मदद के ज़रिए वो ख़ुद अपने लिए दुनिया व आखिरत में ख़ैर ख़ूबी का सामान जमा करता है और ये कि गरीब का भी भला हो जाता है जैसा कि रसूल सल्ला वसलम ने फ़रमाया कुल्नफी गिल सदाकती ही योमल कि कियामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साय तले होगा कि दुनिया में अगर इंसान आज इंसान ने कुछ सदक़ा किया है तो तोमत के दिन इंसान जब कहीं कोई साया न होगा सूरज सरों पर आग बरसा सा रहा होगा तो ऐसे में इंसान अपने सदक़े के सय में होगा तो यूँ रोज़ेदार को जब भूख सताती है तो उसे ग़रीबों का ख्याल और ये कि तब वो ग़रीबों की मदद किया करता है और यूँ दोनों का भला हो जाया करता है गरीब का भी और सदक़ा करने वाले का भी इसी तरह नाजरीन हज के बारे में अगर ग़ौर किया जाए तो अल्लाह के घर का ये हज ये अहम तरीन इबादत लेकिन इसमें में भी हमें यही बात नज़र आती है कि अखलाकी तालीम का पहलू क्या इंसान इस बात को समझ ले कि ये तमाम तर दुनियावी शान शौकत ये आर्जी वानी है हज के दौरान इंसान का लिबास देखिए कि वही लिबास है भी आई नहीं जो कि दुनिया से रुखसती के वक्त जो कि कफन का लिबास हुआ करता है और फिर ये कि वहाँ सभी लोग अल्लाह के एक ही घर के तवाफ़ में मशगूल हैं और यह कि एक साथ कभी साई है कभी रमी है कभी मीना जाना है कभी मुजलिफ़ा जाना है सब का लिबास एक है सब का खलिया एक है और यह कि सभी की ज़बानों पर एक ही कलिमा है कि लब्बई कल और इससे भी बढ़कर यह कि सभी के दिलों में नीयत भी एक ही है मकसद भी एक ही है कि या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा तू मुझसे खुश हो जा तू मेरी ख़ताम को बख्श दे या यू हज के मौक़ पर भी उखमसव और, और ये कि यगानगत और बराबरी तो इसमें भी अखलाक़ी तालीम का पहलू मौजूद है कि सभी बराबर हैं कोई ऊँच नीच नहीं है और ये कि दुनिया की शान शवकत आर्जी उफ़ानी है और मरने के बाद जब ये सांस की डोरी जिस दम जिस वक्त टूट जाएगी तो सभी बराबर हो जाएंगे क्या बादशाह और क्या फ़क़ीर सभी का कफन एक जैसा होगा सभी को एक ही जैसी ख़बर में जाना होगा तो ये अखलाकी तालीम और दीन इस्लाम में हुस्न अखलाक की इस कदर अहमियत है कि अरकान इस्लाम يعني دين إسلام، جو أهم ترين عبادته، نماذ، زكاة، روزة اور حج، إن أركان إسلام من بهم أخلاق کی تعليم گئی ہے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين